फिल्म की शुरुआत में हमें बगदाद के शहर में रेगिस्तान दिखाया जाता है, जहां पर आर्मी एजेंट्स की टीम अपने लीडर लू फेंग के साथ एक मिशन पर आई थी। लू आकर वहां पर ऑयल फैक्ट्री के लीडर से मिलता है, जो यहां पर फैक्ट्री कंट्रोल करने का काम किया करती थी। असल में ऑयल कंपनी की फैक्ट्री के लोग बहुत बड़ी मुसीबत में थे, इन पर हर रोज हमले हो रहे थे और यही वजह थी कि लियो की टीम इनको यहां पर बचाने के लिए आई थी। फैक्ट्री की लीडर लू को बताती है कि उसने यहां पर 400 लोगों को बचाना है और हमें यहां से बचाकर ग्रीन जोन तक पहुंचाना होगा। इसके बाद हमें गांव में क्रिस नाम का एक आदमी दिखाया जाता है, जिसके पास उसका भाई आया था। वो कहता है, भाई मैं आपके लिए एक मिशन लाया हूँ, जिसको पूरा करने पर हमें बहुत सारे पैसे मिल सकते हैं। हमें एक बस में कुछ लोगों को अगवा करना है। जब क्रिस अपने भाई की ये बात सुनता है तो उसे मना कर देता है, क्योंकि क्रिस कभी भी कोई गलत काम नहीं किया करता था। इसके बाद हम क्रिस के गाँव में ओविन नाम के एक आदमी को देखते हैं, जो जमीन से पानी निकालने का काम किया करता था। क्रिस के गाँव में भी पानी की कमी थी। क्रिस अपने गाँव वालों से बहुत प्यार करता था, इसीलिए वो पानी निकालने के लिए ओविन को बुलाता है। ओविन अब एक कुएं से पानी निकालने की कोशिश करता है, मगर नहीं निकाल पाता। उस वक्त गर्मी भी बहुत थी और क्रिस के गांव के लोग बहुत गरीब भी थे। यहां पर ओविन क्रिस से कहता है, अगर कुछ पैसों का बंदोबस्त हो जाए तो हम यहां से आसानी से पानी निकाल सकते हैं। ये सुनकर क्रिस ओविन से कहता है कि ठीक है, मैं पैसे लेकर आऊंगा। उधर फैक्ट्री के अंदर लू अपनी टीम के साथ मिलकर ये प्लान कर रहा था कि हमें फैक्ट्री के लोगों को बचाकर हाईवे ऑफ डेथ से लेकर जाना होगा, तभी हम ग्रीन जोन तक पहुंच सकते हैं। ये रास्ता शॉर्टकट तो है, पर बहुत ज्यादा खतरनाक भी। इसके बाद यहाँ पर फैक्ट्री की लीडर सारे सिस्टम को लॉक करके एक पेन ड्राइव में महफूज करके अपने बैग में रख लेती है, ताकि सब कुछ उस ड्राइव में महफूज हो जाए और किसी को भी कोई खतरा ना हो। फिर वो अपना बैग अपनी एक असिस्टेंट को दे देती है। दरअसल फैक्ट्री के लीडर की असिस्टेंट लू की बेटी होती है। उसकी अपनी डैड यानी कि लू के साथ लड़ाई हुई थी, क्योंकि जब उसकी मॉम की मौत हुई तो लू उनके पास नहीं था। इसी वजह से लू की बेटी अपने डैड से नाराज थी और नफरत क्या करती थी। जिसके बाद सभी लोगों को बस में बिठाकर ग्रीन जोन की तरफ ले जाया जाता है। जल्द ही ये हाईवे ऑफ डेथ के पास पहुंच गए थे। वहां का मंजर देखकर लियू की बेटी डर गई थी, क्योंकि आज तक कोई वहां से जिंदा नहीं गया था। हर तरफ गाड़ियां ही गाड़ियां थी, जिनका एक्सीडेंट होने की वजह से बहुत बुरा हाल था। लियू अपनी टीम से चारों तरफ नजर रखने का कहता है और फिर अपनी बस को लेकर आगे बढ़ता है, मगर रास्ते में दो गाड़ियां थी, जिसकी वजह से रास्ता रुका हुआ था। ये देखकर लियू की बेटी कहती है, हमें बस को यहीं पर रोक देना चाहिए, मगर लू ऐसा करने के लिए तैयार नहीं था। वो कहता है, मैं जानता हूँ ये गाड़ियाँ क्यों खड़ी हैं और हम बस को यहाँ पर किसी कीमत पर नहीं रोक सकते, हमें हर हाल में यहाँ से निकलना होगा। तभी जब ये उस बस को गाड़ियों के पास लेकर जाता है तो एक जोरदार धमाका हुआ था, जिससे बस में बैठे सभी लोग बहुत ज्यादा डर जाते हैं। लू ने फिर भी अपनी बस को नहीं रोका था, वो चलता रहता है। दरअसल ये जितने भी बसेस थी एक खास किस्म के मटेरियल से बनाई गई थी, इसीलिए इन पर गोलियों और बॉम्ब्स का कोई असर नहीं हुआ था। लू अपनी बेटी को बताता है, ये गाड़ियों का बीच में खड़ा होना दरअसल हमें गुमराह करना था। अब जब ये आगे जाते हैं तो लू देखता है कि रेत का एक बहुत बड़ा तूफान इनकी तरफ बढ़ रहा है, मगर ये उस तूफान से भी नहीं घबराता और बस को लेकर आगे बढ़ता रहता है। तभी यहाँ पर क्रिस की टीम रेत के तूफान का फायदा उठाकर एक बस को हाईजैक कर लेती है, यानी कि उन्होंने उस बस को अपने कब्जे में ले लिया था। जैसा कि हमें पता है कि क्रिस को पैसों की जरूरत थी, इसीलिए वो ये काम कर रहा था। उसने अपने भाई की बात को मान लिया था। जब तूफान के रुक जाने के बाद ये सब अपनी बसेस को रोकते हैं, तो लू को पता चलता है इनकी एक बस गायब थी, जिसमें ऑयल फैक्ट्री की लीडर भी थी। तब इसकी टीम में से लड़की बताती है, मैंने उसे दूसरी तरफ जाते हुए देखा है। लू अब यहाँ पर एक हेलीकॉप्टर को बुलाता है, ताकि उस बस को जल्दी से ढूंढा जा सके। इस काम में लू की बेटी भी उसके साथ जाने का कहती है। लू हेलीकॉप्टर में अपनी बेटी को लेकर उस बस को ढूंढने निकल गया था। कुछ दूर जाने के बाद लू हेलीकॉप्टर से एक ट्रक को देखता है। अब इसे समझ आती है कि रेत का असल में कोई तूफान नहीं था, बल्कि दुश्मनों ने इस ट्रक की मदद से नकली तूफान बनाया था, ताकि वो हमारी बस को हाईजैक कर सकें। कुछ देर के बाद लू को अपनी बस नजर आ जाती है। राब्ता करने पर लू की टीम की लड़की उसे बताती है, उस बस में से अमेरिकन्स ने हमारे 5 लोगों को अगवा किया है, जिनमें ऑयल फैक्ट्री की लीडर भी थी। जिसके बाद लू अपनी टीम से दोबारा राब्ता करता है और बाकी की बसेस को ग्रीन जोन तक पहुँचाने का कहता है। इधर क्रिस भी अपने साथियों के साथ जब गाड़ी में बैठा आगे बढ़ रहा था, तो ऊपर से लू अपने हेलीकॉप्टर से इन पर बॉम्ब गिराता है। क्रिस्पी अपनी गाड़ी से निकलकर गन लेकर हेलीकॉप्टर पर हमला कर रहा था, जिससे हेलीकॉप्टर उनसे थोड़ा दूर हो जाता है। उसमें आग लग गई थी।
क्रिस अपने भाई को अब एक खंडर में लेकर आया था, जहां पर लाकर उससे पूछता है कि ये किसका मिशन है, मुझे सच सच बताओ, जिसमें इतना ज्यादा खतरा है, हेलीकॉप्टर से हम पर बॉम्ब गिराए जा रहे हैं। तभी वहां पर ओविन आता है जो कि क्रिस का दोस्त था, कहता है कि ये मिशन सारा प्लान मेरा था, उसने ऑयल फैक्ट्री के लीडर को भी अगवा कर लिया था। इसका मकसद ऑयल कंपनी के सारे सिस्टम को हैक करके यानी कि अपने कंट्रोल में लाकर, जिससे इसे बहुत सारे पैसे मिलने वाले थे। ऑयल फैक्ट्री के लीडर को भी ये बात समझ आ गई थी कि वो ओविन ही था जो इनकी फैक्ट्री पर हमले करवा रहा था, ताकि जब हम अपनी जगह बदलकर ग्रीन जोन की तरफ जाने लगे तो ये रास्ते में हमें अगवा कर ले। क्रिस यहाँ पर ओविन से कहता है, तुम इतना बड़ा प्लान कैसे बना सकते हो, और मैं आगे अब इस प्लान में तुम्हारा साथ नहीं देने वाला, मुझे मेरे पैसे दो ताकि मैं यहाँ से जा सकूं। ओविन कहता है, अभी कुछ और काम बाकी है जिसके बाद तुम्हें तुम्हारे पैसे मिल जाएंगे। क्रिस का भाई भी यही कहता है कि अभी कुछ काम बाकी है, मगर क्रिस किसी की परवाह ना करते हुए कहता है कि अगले 2 घंटे के अंदर अंदर मुझे मेरे पैसे चाहिए। इतना कहकर वो वहाँ से चला गया था। क्रिस के जाने के बाद उसका भाई ओविन से कहता है कि हमें अब उसके बगैर ही काम करना होगा, मगर ओविन यहाँ पर उसके साथ गद्दारी करता है, उसने क्रिस के भाई को मार दिया था और फिर यहाँ से सब कुछ जाने का कहता है। उधर क्रिस भी अपने गाँव में पहुँच गया था, उसे अपने भाई पर बहुत गुस्सा आ रहा था क्योंकि उसने सही बात नहीं बताई थी उसे, जिसके बाद वो थोड़ा खुद को सुकून में लाने के लिए बच्चों के साथ बाहर खेलने चला गया था। तभी उधर ल्यू आता है जो कहता है कि मैं यहाँ पर अपने लोगों को बचाने आया हूँ जिनको तुमने अगवा किया है, मैं जानता हूँ मेरे लोग तुम्हारे पास हैं। क्रिस भी जवाब देता है कि मैं भी अपने गांव वालों को बचा रहा हूँ। जैसा कि हमें पता है, क्रिस ने ये काम भी पैसों की खातिर सिर्फ अपने गांव वालों के लिए किया था, ताकि ये उनके लिए पानी का इंतजाम कर सके, और ये सारा प्लान ओविन का था ताकि क्रिस भी उसका साथ दे सके, मगर ओविन ने इसे धोखा दे दिया। खैर, इसके बाद लू वहाँ से चला जाता है। कुछ देर के बाद क्रिस एक खाली फैक्ट्री में आया था, जहाँ पर वो अपने भाई की लाश को देखता है। तभी उधर लू भी आ गया था। इन दोनों की यहाँ पर बहुत लड़ाई होती है, कभी क्रिस लू पर भारी पड़ रहा था तो कभी लू, क्योंकि क्रिस को यहाँ पर ऐसा लग रहा था कि उसके भाई को लू ने मारा होगा, मगर जब वहाँ पर कोई चीज क्रिस के भाई पर गिरने वाली थी तब लू उसे बचा लेता है। यहाँ पर उसको पता चल जाता है कि उसके भाई को लू ने नहीं मारा बल्कि इसमें ओविन का हाथ है। तभी वहाँ पर इन पर गोलियां बरसने लगती हैं। दरअसल यहाँ पर भी ओविन ने अपने गुंडों को इन्हें मारने के लिए भेजा था, मगर ये उन गोलियों का मुकाबला करते हैं। क्रिस उन पर बॉम्ब गिराता है जिससे बहुत बड़ा धमाका हुआ था। खैर, वो गुंडे तो वहाँ से भाग गए थे, मगर इस उसमें क्रिस की गाड़ी भी बर्बाद हो जाती है। ये दोनों समझ गए थे कि इनको एक ही इंसान को पकड़ना है और वो है ओविन, जो इन दोनों का दुश्मन था। क्रिस कहता है कि मैं जानता हूँ इस वक्त ओविन कहाँ पर होगा। उधर दूसरी तरफ ओविन फैक्ट्री के लीडर और उसके कुछ लोगों को अपने साथ फैक्ट्री में ले आया था, जहाँ पर वो सिस्टम को खोलने की कोशिश करता है, मगर उस पर एक कोड लगा हुआ था। ओविन फैक्ट्री के लीडर से जब कोड के बारे में पूछता है तो वो नहीं बताती, तभी वो उसके 2 लोगों को मार देता है, जिसे देखकर फैक्ट्री की लीडर डर गई थी। अब वो उसके बेटे को मारने की धमकी देता है, तो ये सुनकर फौरन फैक्ट्री की लीडर उसे बताती है कि ये कोड एक पेन ड्राइव में है जो मैंने अपने बैग में रखी थी, पर मैं ये नहीं जानती कि वो कहाँ पर है, मुझे बस इतना याद है कि वो बैग मैंने अपनी असिस्टेंट को पकड़ाया था। तभी यहाँ पर फैक्ट्री के लीडर का बेटा अपनी मॉम के फोन पर कॉल करने का कहता है, जिससे उनके फोन की लोकेशन के बारे में पता चल जाएगा कि फोन और बैग कहाँ पर है। असल में वो बैग ल्यू की बेटी के पास था जो इस वक्त क्रिस के गाँव में थी। उधर ही गाँव में लू को बाकी के लोगों के ग्रीन जोन में पहुँचने की खबर मिल जाती है। यहाँ पर उसकी बेटी उससे पूछती है कि आप क्रिस पर कैसे भरोसा कर सकते हैं। लू बताता है कि वो एक अच्छा इंसान है, लोगों की भलाई सोचता है, हम उस पर यकीन कर सकते हैं। तभी क्रिस को लू की डायरी मिलती है जिसे उठाकर वो उसके पास लेकर आया था। उसे कहता है कि क्या तुम इस लड़की को पसंद करते हो, तुम कितने खुशकिस्मत हो ना कि तुम्हें ऐसी लड़की मिली, तुम हर वक्त उसकी तस्वीर को अपनी डायरी में रखते हो। लू यहाँ पर बताता है तुम गलत सोच रहे हो, दरअसल वो मेरी बेटी है। इस बात पर क्रिस उससे माफी मांगता है। लू बताता है दरअसल जब मेरी वाइफ की मौत हुई तो मैं अपनी बेटी के पास नहीं था, जिस वजह से वो मुझसे आज तक नाराज है। वो कहता है और इस मिशन पर भी मैं इसीलिए आया था कि मैं अपनी बेटी को बचा सकूं जो यहाँ ऑयल फैक्ट्री में काम करती है। क्रिस कहता है फिक्र नहीं करो, सब ठीक हो जाएगा, हम सबको बचा लेंगे, हम मिलकर मुकाबला करेंगे। तभी उन्हें कुछ गुंडों की आवाजें सुनाई देती हैं। वो जाकर उन गुंडों का मुकाबला करते हैं। यहाँ पर उन्हें पता चलता है कि उन्हें तो यहाँ पर ओविन ने भेजा है जो यहाँ पर फैक्ट्री के लीडर का बैग लेने आए हैं जो लू की बेटी के पास था। उनके पास काफी सारे हथियार थे, उन्होंने सभी गाँव वालों को बंदी बना लिया था और अब वो फैक्ट्री के लीडर का बैग भी मांगते हैं जिसमें पेन ड्राइव थी, जिसमें सिस्टम का कोड लॉक था। क्रिस उन्हें वो बैग दे देता है जिसे लेने के बाद वो वहाँ से चले गए थे।
ऐसा करने पर लू और उसकी बेटियों से बहुत नाराज थे। तब क्रिस कहता है कि मैं पूरे गांव वालों की जान को ऐसे खतरे में नहीं डाल सकता था। जब सुबह होती है तो क्रिस लू की बेटी से पूछता है कि आखिर उस बैग में क्या था जिसको देने पर तुम तैयार नहीं थी। वो बताती है उस बैग में एक पेन ड्राइव थी जिससे ऑयल फैक्ट्री की सारी सिस्टम को हैक कर सकते हैं और पूरे बगदाद शहर की ऑयल को कहीं पर भी ट्रांसफर यानी कि भेजा जा सकता है। इस सिस्टम से ऑयल स्मगलिंग भी होती है जिसके बाद किसी भी मुल्क या शहर को वो ऑयल बेच सकते हैं और अगर ऐसा हो गया तो ये अब तक ऑयल की सबसे बड़ी चोरी होगी। दूसरी तरफ हम जर्मनी के शिप को देखते हैं जिसका कैप्टन ओवन से फोन पर बात कर रहा था। इधर गांव से भी क्रिस और लू निकल गए थे मगर लू की बेटी को ये लग रहा था कि वो दोनों मिलकर भी सब कुछ नहीं रोक पाएंगे, इसलिए वो भी गाड़ी लेकर उनके पीछे निकल जाती है। ओवन के पास भी उसके गुंडे बैग को लेकर पहुंच गए थे। वो फैक्ट्री के लीडर को अब बैग देकर पेन ड्राइव से लॉक खोलने का कहता है। वो जैसे ही पेन ड्राइव को सिस्टम में लगाती है सारा सिस्टम ऑन हो गया था यानी कि चलना शुरू हो जाता है। ओविन उस जर्मनी के शिप में ऑयल भरवाने का कहता है मगर इस काम में 24 घंटे लगने थे। कुछ वक्त के बाद क्रिस और लू भी अपने ट्रक पर ओविन के पास फैक्ट्री में पहुंच गए थे। वो उसके गुंडों का मुकाबला कर रहे थे। लू एक पाइप पर चढ़कर बड़े ही शानदार तरीके से ओविन के आदमियों को मार देता है। ये सब कुछ ओविन भी छुपकर देख रहा था। वो अपने आदमियों से कहता है कि हमें जल्दी यहां से निकलना होगा क्योंकि उसका काम अब पूरा हो गया था। जर्मनी के शिप में ऑयल भरा जा चुका था। क्रिस भी फैक्ट्री के अंदर जाता है। वो आकर गुंडों को मारने लगा था तभी उसकी नजर बाहर जाती है। वो देखता है कि ओविन यहाँ से भाग रहा है। अब वो दौड़ते हुए उसका पीछा करता है तभी रास्ते में उसे लू की बेटी मिलती है जो गाड़ी लेकर इनके पास पहुँच गयी थी। ये दोनों मिलकर अब ओविन का पीछा करते हैं। इधर लू फैक्ट्री में ओविन के गुंडों का मुकाबला कर रहा था। वो एक एक करके सभी को मजा चिखाता है। वहाँ पर अब ऑयल फैक्ट्री की लीडर आती है जो कहती है कि सब कुछ बर्बाद हो गया, उन्होंने पेन ड्राइव से ऑयल की चोरी कर ली, हमें इतने बड़े नुकसान को रोकना होगा। उधर रास्ते में क्रिस जब ओविन का पीछा कर रहा था तो वो अपनी गाड़ी को जंप करता है। उसके पीछे लू की बेटी भी गाड़ी को हवा में उड़ाती जंप करवाती है मगर उसकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया था। क्रिस गाड़ी की ऐसी हालत देखकर लू की बेटी पर गुस्सा करता है। तभी वहाँ पर लू भी एक ट्रक को लेकर पहुँच गया था। फिर वो दोनों भी उस ट्रक में बैठकर उसके साथ आगे बढ़ते हैं। क्रिस लू को ओविन तक पहुँचने का शॉर्टकट रास्ता बताता है। फिर ये उस ट्रक से रॉकेट लॉन्चर छोड़ने लगते हैं। दरअसल ये वही ट्रक था जिससे नकली तूफान को बस को हाईजैक करने के लिए बनाया गया था। क्रिस अब ओविन तक पहुँच जाता है। वो तेजी से लाकर अपने ट्रक को उसके ट्रक में दे मारता है जिससे जोरदार धमाके होते हैं। ओविन की गाड़ी दूर जाकर गिरी थी। ओविन काफी जख्मी हो चुका था। वो जब क्रिस को देखता है तो अपनी गाड़ी को लेकर वहाँ से भाग जाता है। लू ने वापस क्रिस को अपने ट्रक में बुला लिया था। क्रिस अब ट्रक से लटक गया था। वो रॉकेट लॉन्चर की स्पीड से ओविन की गाड़ी के पास आ जाते हैं जिसकी वजह से उनका ट्रक भी काबू हो गया था। वो एक रस्सी को ओविन की गाड़ी से बांधकर अपने ट्रक को खाई में गिरा देते हैं और खुद उस रस्सी के सहारे लटक गए थे। ये देखकर ओविन उन पर हंस रहा था मगर गाड़ी पर वजन ज्यादा होने की वजह से ओविन की गाड़ी भी खाई में गिर जाती है। लू ने उस रस्सी को छोड़ दिया था। वो अपनी बेटी के साथ एक पत्थर पर जाकर गिरता है और ओविन अपनी गाड़ी के साथ खाई में गिरकर मर गया था। यहाँ पर लू और उसकी बेटी तो बच चुके थे। ये दोनों देखते हैं कि इन्हें क्रिस कहीं पर नजर नहीं आ रहा। ये समझते हैं कि क्रिस मर गया। तभी लू की बेटी की नजर उसकी डायरी पर पड़ती है। जब वो देखती है तो उसमें उसकी और उसकी मॉम की तस्वीर थी। लू बताता है कि मैं तुमसे और तुम्हारी मॉम से बहुत प्यार करता था, मैं कभी तुम्हें अलग करना नहीं चाहता था। ये सुनकर लू की बेटी उसकी गले लग गई थी। तभी लू के पाँव को नीचे से क्रिस पकड़ लेता है जो अभी भी जिंदा था। ये दोनों उसे ऊपर खींच लेते हैं। तीनों तो बच गए थे मगर अब ये सोचते हैं कि यहाँ से कैसे निकलेंगे। तब लू के दिमाग में एक आइडिया आता है। वो कहता है कि हमें यहाँ पर बहुत जोर से शोर मचाना चाहिए ताकि कोई इनकी मदद कर सके। कुछ वक्त के बाद दिखाया जाता है इन्होंने जर्मन के उस शिप को भी पकड़ लिया था जिसको ओविन ने ऑयल बेचा था। क्रिस के गांव में भी पानी आना शुरू हो जाता है। ये काम क्रिस और लू ने मिलकर किया था। सब गांव वाले बहुत खुश थे। फिर लू की टीम उसके पास आकर अगले मिशन के बारे में पूछती है। तब क्रिस भी उससे ये वादा करता है कि हर मिशन में वो उसका साथ देगा। और इसी के साथ इस फिल्म की कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।